हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये फोर्ड की एंडेवर कार है। इसमें हम बताने वाले इसका रेडियो स्टीरियो कैसे निकाला जाता है और ब्लोअर वाली स्विच है, फैन स्विच है, वो कैसे खोली जाती है। ये सबसे पहले हमने ये तीनों नोब निकाल देनी है। उसके बाद इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोलर के बीच लगा होता है। ये दोनों स्क्रू हमने खोल लेने हैं आराम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। ये दोनों स्क्रू खोल के उसके बाद आगे आपको बताते हैं। और स्केल या कोई भी पतली चीज़ जिससे स्क्रैच ना पड़े, ऐसी चीज़ लेनी है, नीचे से शुरू करना है, ऐसे खोलते खोलते ऊपर तक जाना है, साइड से खोल लेना है। दोनों साइड से हल्का हल्का ध्यान दे के लॉक कोई टूट ना जाए या स्क्रैचेस ना पड़े, ऐसे इसको खोल लिया जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ध्यान से इसको खोल लेना है। और इसके कपलर लगे होते हैं नीचे, जो एसी स्विच का होता है, वो यहाँ से उतार लेना है। लॉक थोड़ा टाइट होता है, लॉक ऊपरली साइड होता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी भी कपलर जो स्टीरियो के पीछे जो भी कपलर लगे हैं, सब एक एक करके ध्यान से उतार लेना है, कहीं कोई कपलर मिस ना हो जाए या टूट ना जाए। तो उसके बाद हमने ये स्विच खोलना है के लिए ये शीशे के जो स्क्रू है, दोनों स्क्रू खोल लिए जाएंगे, शीशा साइड पे हट जाएगा और ये एक नट लगा है, हाथ से ऐसे खुल जाएगा। नट खोल के स्विच हमारी बाहर आ जाएगी। तो स्विच बाहर निकाल के उसका कपलर उतार लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने सुझाव दो क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।